मंगलानं च सर्वेशीं परम महावै मंगलम् धम्मो मंगलमुखितं अहिंसा संयमो तवो देवावितं नमस्सन्ति जस धम्मेशया मनो जाहादुमसकुपेशु भमरो अवियैरस नय पुपं किला मे सूय पुपेशु भमरो जाहा महोगार समबुद्धां जीभवन्तियानि शिया नाणपिण्डरयाद Thank you.
बड़ी घनी आड़ा पर्वत हो नदिया अति घनी बीच में विकट विद्याधर घाट बीच में विकट विद्याधर घाट इन भव माही हो आय सकू नहीं इन भव माही हो आय सकू नहीं एक चितवंदु हो एकर जोड़ी ने एक चितवंदु हो एकर जोड़ी ने कागद लिख सा हो प्रभु जी ने प्रेम सु कागद लिख सा हो प्रभु जी ने प्रेम सु विनंती वंदना वारंवार विनंती वंदना वारंवार करुणा रा सागर हो कृपा की करुणा के सागर चरम तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी की सदा काल जय हो जय विजय हो सभी महापुरुषों की जय विजय हो सभी गुरु भगवंतों की जय विजय हो आराध्य गुरुदेव की जिन्होंने संसार के सागर से निकालकर संयम को प्रदान किया और मुक्ति का रास्ता आसान कर दिया। आराध्य गुरुदेव के पावन चरणों में शत शत वंदन अभिनंदन। इस धर्म सभा में उपस्थित गणमान्य श्रावक सुशील माताओं बहनों राजगृह नरेश जिनके मन में आया तीव्र इच्छा कि एक सुंदर ऐसा महल बनाऊं अनोखा महल जिसे देखने के लिए 36 कौम के लोग आए और देखते रह जाए और मेरी प्रशंसा करे कि कितना अच्छा महल बनाया है राजा ने। अब जैसी मन में इच्छा इच्छाएं अनेक होती है एक इच्छा पूरी नहीं होती दूसरी इच्छा खड़ी हो जाती है तो मन में तीव्र इच्छा थी कि मैंने महल बनाना ही है। जैसे ही सोच लिया दूर दूर से कारागिरों को बुलाया गया और कार्य शुरू हो गया महल बनाने का। और जैसे ही महल बनने का कार्य शुरू हुआ कुछ दिन कार्य चलता रहा लेकिन जैसे ही महल आधा अधूरा बना राजा आकर देखता बड़ा खुश हो जाता लेकिन एकाएक ऐसा हो गया कि रात्रि में वह महल खंडर हो गया। अगले दिन राजा देखकर चिंतित हो गया पुनः उसे खड़ा किया गया पुनः रात्रि में खंडर हो गया। अब राजा परेशान हो गया सोचने लगा यह क्या हो रहा है महल आधा अधूरा तो बनता है। जैसे रानकपुर सादड़ी गुरुदेव के साथ 1 जनवरी 2007 का वहां पर मंगल पाठ हुआ था 2006 का जलंधर चातुर्मास करने के बाद राजस्थान जैसे विचरण हो रहा था पाली राजस्थान के पास वह क्षेत्र और वहां पर 1444 खंबे हैं उस मंदिर में रानकपुर सादड़ी में जाकर देखते हैं लेकिन एक खंबा आज भी अधूरा है। अगर कभी गए तो गौर से देखना 1444 खंबे में एक खंबा आज भी अधूरा है। काफी प्रयास किया था लेकिन बन नहीं पाया अगर उसका पीछा छोड़ना पड़ा वो खंबा वैसे की वैसे अधूरा आज भी वैसे ही वैसे है। तो ऐसे ही दिन में वह महल तो बन जाता आधा अधूरा महल और रात्रि में खंडर हो जाता। इस बात को लेकर राजा बड़े परेशान चिंतित उन्होंने बड़े बड़े जानकार को बुलाया पंडितों को बुलाया और पूछा भाई मुझे महल बनाना लेकिन बन नहीं पा रहा। अब एक जानकार बुजुर्ग जिसने राजा से कह दिया कि राजन महल तो बनेगा लेकिन एक होनहार बालक की बलि चलानी पड़ेगी रास्ता बता दिया। तीव्र इच्छा राजा की राजा ने कहा किसी भी हाल में मुझे महल बनाना ही बनाना है।
अपने मंत्री से कह दिया, अधिकारियों से कह दिया कि ऐलान करा दो नगरी में कि जो भी परिवार, जो भी माता पिता अपने बालक को बलि चढ़ाने के लिए देता है तो उस बालक को तुलाई कर उसके वजन के हिसाब से सोना चांदी हीरा जवाहरात धन दौलत सब कुछ देने के लिए तैयार है राजा, लेकिन अपने परिवार से एक बालक सारी नगरी में ऐलान हो गया, घोषणा करवा दी। नगरी वासियों ने ऐलान को सुन लिया। अब उस नगरी में एक ऋषभदत्त नाम का व्यक्ति रहता था अपने चार पुत्र और पत्नी के साथ, लेकिन बड़ा दरिद्र था, गरीब था। जैसे उसने इस बात को सुन लिया, इस सूचना को सुन लिया तो कठोर निर्णय लेने के लिए तैयार हो गया। अपनी पत्नी के साथ सलाह किया कि मुझे चार पुत्र है, एक पुत्र को अगर हम दे देते हैं तो हमारी दरिद्री हमेशा के लिए दूर हो जाएगी, क्योंकि मैं खुद भी मेहनत करता हूँ, पत्नी भी काम करती है, बच्चे भी काम करते हैं, लेकिन हमारी दरिद्री दूर होती नहीं है, गरीबी दूर होती नहीं है। तो इसके लिए एक ही रास्ता, और ऋषभदत्त के चार पुत्र में से एक छोटा बालक चौथा पुत्र बड़ा होनहार था, कुशल था, होशियार था। वह जंगल में जाया करता, लकड़ियां इकट्ठा कर कर लाता, बाजार में जाता, लकड़ियां बेचता और जो भी पैसे आते मां के चरणों में लाकर रख देता। एक बार वह बालक जंगल में गया लकड़ियां इकट्ठा करने के लिए और एकाएक क्या देखता है, एक वृक्ष के नीचे एक महात्मा, एक संत, एक मुनिराज ध्यानस्थ बैठे हुए हैं। जैसे ही पास में गया, देखा, आश्चर्यचकित हो गया, कोई नए महात्मा जी दिखाई दे रहे हैं, नए संत मुनिराज दिखाई दे रहे हैं, वो तो अपने ध्यान में बैठे हुए थे। बालक पास में बैठ गया, प्रतीक्षा करने लग गया कि महात्मा जी का, गुरुदेव का कब ध्यान परिपूर्ण होता है और कब मैं इनसे वार्तालाप करूं। अब कुछ देर प्रतीक्षा करनी पड़ती ही है, आप लोग आते हैं और कभी कभी बड़े गुरुदेव अगर नहीं दिखाई दिए तो पूछते हैं भाई बड़े गुरुदेव कहाँ चले गए। हम सोचते, हमने कह दिया कि भाई थोड़ी देर कुछ इधर उधर काम में लग गए होंगे, लेकिन आपके पास समय कहाँ है, प्रतीक्षा करने के लिए समय नहीं है, जो संत मुनिराज मिल गए उनके दर्शन कर लिए चले अपने, चल प्रतीक्षा करनी ही चाहिए कुछ समय के लिए, अगर राह देखते हैं तो लाभ ही लाभ होता है, लेकिन प्रतीक्षा करने के लिए हमारे पास वक्त नहीं है। वो बालक वहां पर बैठ गया, कुछ देर ध्यान परिपूर्ण होने के बाद जैसे ही संत मुनिराज ने आंखें खुली तो एक साथ सारे सवाल, जिज्ञासा थी उस बालक के पास, जिज्ञासा होनी चाहिए, आना चाहिए, समस्या का हल तो मिल ही जाता है, पूछना चाहिए। उस बालक ने एक साथ सारे सवाल कर दिए कि आप कौन हो, कहां से आए हो, क्या आपको पत्नी नहीं है, बच्चे नहीं है, आप यहां पर क्या कर रहे हो, एक साथ सारे सवाल पूछ लिया। अब जैसे ही सारे सवाल पूछ लिया तो संत मुनिराज मुस्कुराए और कहते ना, मस्जिद मंदिर तो बहुत दूर है, मस्जिद मंदिर तो बहुत दूर है, क्यों ना किसी रोते हुए बच्चों को मैं हंसा दूं। और जैसे ही उस बालक ने सवाल पूछे तो संत मुनिराज ने मुस्कुराते हुए कहा कि भाई घर संसार पत्नी परिवार को सबको हमने छोड़ दिया है और हमने संन्यास ग्रहण किया है और कभी कभी एकांत साधना करने के लिए गांव को, देहात को छोड़कर जंगल में भी विचरण करना पड़ता है, जंगल में भी आना पड़ता है, कठोर साधना से जुड़ने के बाद जैसे ध्यान परिपूर्ण हो जाता है तो पुनः देहात में चले जाते हैं और वहां पर जो ऐसे श्रावक और श्राविकाएं आते हैं, ऐसे जिज्ञासु आते हैं, उनको कुछ न कुछ धर्म आराधना करने के लिए प्रेरित कर देते हैं और मंत्र का जाप करते हैं, पूरे श्रद्धा और विश्वास के साथ मंत्र का जाप करते हैं तो अपने संकट दूर हो जाते हैं। अच्छा, वो बालक तो सुनते ही रह गया, गुरुजी क्या आप जो मंत्र का पाठ कर रहे हैं, जाप कर रहे हैं, उससे सारे संकट दूर हो जाते हैं? हाँ बिल्कुल दूर हो जाते हैं, पूरे श्रद्धा और विश्वास के साथ समर्पण के साथ तुम भी करोगे तो तुम्हारे सारे संकट दूर हो जाएंगे। वो तो खुश हो गया, प्रसन्न हो गया और कहने लगा कि गुरुदेव क्या मुझे वो मंत्र आप
सिखाने का प्रयास करोगे? लक्ष्य था उस बालक का, जैसे ही गुरुदेव ने उसे मंत्र बताया, मंत्र पढ़ाया, मंत्र सिखाया, तो कुछ समय में वो मंत्र सीख लिया। बुद्धिमान था, चालाक था, होशियार था, थोड़ी ही देर में मंत्र सीख लिया। और उसका एक ही लक्ष्य था कि इस मंत्र के आधार पर मैं अपनी गरीबी को दूर कर दूं, मैं अपनी दरिद्रता को दूर करूं, अपने सारे संकट अपने आप दूर हो जाने चाहिए। गुरुदेव को प्रणाम किया, धन्यवाद दिया, एहसान मंद हो गुरुदेव मैं आपका कि आपने मुझे ये मंत्र सिखाया। अब मैं जाकर घर पर अपनी माँ को बताऊंगा, अपने पिता को बताऊंगा, हमारी दरिद्री हमारा संकट सारा दूर हो जाएगा। बस मंत्र को गुनगुनाते हुए, नाचते हुए, झूमते हुए चला गया और सबसे पहले जाकर माँ के चरणों में नतमस्तक होते हुए अपनी खुशी की बात बताने ही वाला था। इतने में पिता ने कहा, बालक चलो हमें राजमहल जाना है। उसे कुछ पता नहीं था, जैसे पिता की आज्ञा हुई अपने माँ के साथ, अपने पिता के साथ राजमहल में पहुंच गया। और जैसे ही राजमहल में पहुंच गया, तब तक तो उसे कुछ पता ही नहीं चला, लेकिन इंसाफ का तराजू सामने देखा और तराजू में जैसे ही उसे बिठाया गया और जब धन दौलत को तुल कर देने लग गए, तब उसे समझ में आया कि मेरे माता पिता ने यहां पर तो मुझे बलि के लिए, गिड़गिड़ाने लग गया, रोने लग गया, आंखों में से आंसू आने लगे कि पिताजी मुझे यहां पर मरने के लिए मत छोड़ना, मुझे अपने साथ लेकर चलो, मुझे मरने से बहुत डर लगता है, माँ मुझे यहां पर मत छोड़ना, आप मुझे जैसे तैसे फटे पुराने मेरे भाइयों के कपड़े दिए तो मैं उससे काम चला लूंगा, मुझे पर्याप्त भोजन नहीं भी दिया तो चलेगा, जो बचा कुचा हुआ मैं खाकर दिन निकाल लूंगा, जंगल में जाऊंगा, लकड़ियां तोड़कर लाऊंगा और आपके चरणों में पैसे जो भी मिले वो रख दूंगा, मुझे यहां पर, गिड़गिड़ाने लग गया। लेकिन माता पिता ने तो पहले ही कठोर निर्णय ले लिया था, उस बालक को वहीं पर मरने के लिए छोड़ गए। अगले दिन मैदान में उस बालक को लाकर खड़ा कर दिया गया, सारी जनता वहां पर, जल्लादों को बुलाया गया, ऊंचे आसन पर राजा विराजमान है, देख रहे हैं, पर एकाएक राजा के मन में कुछ आया और उन्होंने पूछा, बालक अब मरने के लिए तैयार हो जाओ, लेकिन मरने से पहले हम तुमसे एक सवाल करना चाहते कि तुम्हारी कोई अंतिम इच्छा। जैसे ही राजा ने कहा तुम्हारी कोई अंतिम इच्छा, तो उस बालक ने कहा मुझे चार टोकरियां रेत चाहिए, चार टोकरियां रेत चाहिए, आदेश। और तुरंत चार टोकरियां रेत वहां पर लाकर, जैसे ही चार टोकरियां रेत आई तो चार टोकरियों का चार ढेरिया बनाई, अलग अलग ढेरी के पास जाने लग गया। पहले ढेरी के पास गया, ठोकर से उड़ा दिया, दूसरी ढेरी के पास गया, ठोकर से उड़ा दिया, तीसरी ढेरी के पास गया, उसे भी ठोकर से उड़ा दिया, चौथी ढेरी के पास गया, खड़ा हो गया, हाथ जोड़कर प्रणाम करता है, महामंत्र को याद करता है, उस गुरुदेव को प्रणाम करता है, गुरुदेव को नमस्कार करता है और पुनः आता है, राजन चलिए अब मरने से क्या घबराना, अब मरने से क्या घबराना, इधर कुआं इधर खाई है, गैरों से क्या शिकायत करे, हमने अपनों से चोट खाई है, चलो राजन हम मरने के लिए तैयार है। जैसे ही उस बालक ने राजा से कहा, राजा के मन में शंका, राजा ने कहा, बालक चार टोकरियां रेत हमने मंगवाई थी, तुम पहली टोकरी के सामने गए ठोकर से उड़ा दिया, दूसरी टोकरी के सामने गए ठोकर से उड़ा दिया, तीसरी को भी ठोकर से उड़ा दिया, लेकिन चौथी को? तो बालक कहता है, राजन पहली ढेरी बनाई थी मैंने माता पिता के नाम की, जिन्होंने मुझे यहां पर मरने के लिए छोड़ दिया, और इसलिए मैंने उनकी ढेरी को ठोकर से उड़ा दिया, दूसरी ढेरी बनाई थी अपने भाइयों के नाम की, माता पिता ने गलती की तो क्या हुआ, मेरे भाई तो आ सकते थे, मुझे बचाते थे, लेकिन उन्होंने यहां पर मुझे मरने के लिए छोड़ दिया, मेरे भाई भी मुझे बचाने के लिए नहीं आए, इसलिए मैंने उनकी भी ढेरी को ठोकर से उड़ा दिया,
और राजन तीसरी ढेरी तो आपके नाम की बनाई। राजा मेरा पालनहारा, जो रक्षक है वो मेरा भक्षक बन गया, मुझे ही मारने के लिए तुल गया। थोड़ी सी भी दया मन में नहीं आई कि इतने छोटे बालक को मैं कैसे आहुति भी चढ़ाऊं, कैसे बलि चढ़ाऊं। इसलिए तीसरी ढेरी तुम्हारे नाम की बनाई थी, उसे भी मैंने ठोकर सुना हो। अब अंतिम समय में मैं जा रहा हूं, सलेखना करके जा रहा हूं। अब जो हो जाए कोई परवाह नहीं, मुझे गुरुदेव का आशीर्वाद है, पंच परमिटी का शरणा है। जैसे उस बालक ने राजा को समझाने का प्रयास किया, राजा की चिंतन धारा बदल गई। इस बालक ने तो मेरी आंखें खोल दी, सचमुच रक्षक क्या करने चला गया था, तुमने तो मेरी आंखें खोल दी। राजा के विचारों में परिवर्तन आ गया। राजा ने कहा, इन जल्लादों को हटा दो, अब महल बने ना बने मुझे कोई परवाह नहीं, लेकिन आज इस बालक की आहुति, इस बालक की बलि हम नहीं चढ़ाएंगे, किसी भी कीमत में नहीं चढ़ाएंगे, आखिरी फैसला। राजा ने अपना फैसला बदल दिया, उस बालक का बचाव हो गया और राजा बालक के माते, अब हमें इस संसार में नहीं रहना, संसार की आसारों तक हमने देख लिया है, यहां पर सारे रिश्ते नाते स्वार्थ के हैं, अच्छे तरह से इन रिश्तों को देख लिया है, अब तो हमें अपने गुरुदेव के रास्ते पर चलना है, पंच परमिष्टि की साधना से जुड़ना है, पंच परमिष्टि की आराधना करनी है और अपना जीवन सफल बनाना है। एक ही लक्ष्य उस बालक का कि बस जंगल में जाना है, उस गुरुदेव की तरह कठोर साधना से जुड़ना है। और जैसे ही बालक वहां से त्रिशला का नयन सितारा, सिद्धार्थ कुल जियारा, जन जन जीवन रखवारा, पावन है नाम तुम्हारा। श्रद्धा से करते वंदन है जय महावीर, चौदिश गुंजन है। सत्य अहिंसा ज्ञान की तुमने ज्योति जलाई, तप संयम की राहों में अनगिनत बाधाएं आई। सत्य अहिंसा ज्ञान की तुमने ज्योति जलाई, तप संयम की राहों में अनगिनत बाधाएं आई। हर दुख संकट को पिया, संभाव से सहलिया, हर दुख संकट को पिया, संभाव रसन दिया, वीरों का वीर बन जिया। श्रद्धा से करते वंदन है जय महावीर, चौदिश गुंजन है। त्रिशला का नयन सितारा, सिद्धार्थ कुली कुल उजियारा, जन जन जीवन रखवारा, पावन है नाम तुम्हारा। श्रद्धा से करते वंदन है जय महावीर,
चहु दिस गुंजन है। क्यों आज तेरे आदर्श को भूल रहा संसार है। हिंसा घृणा द्वेष बैर की जीवन में भरमार है। क्यों आज तेरे आदर्श को भूल रहा संसार है। हिंसा घृणा द्वेष बैर की जीवन में भरमार है। कर दो ऐसा प्रभुवर मैत्री की महक हो घर घर। कर दो ऐसा प्रभुवर मैत्री की महक हो घर घर। हो दया दृष्टि जीवों पर रहे अड़िग धर्म नीवों पर। हो दया दृष्टि जीवों पर रहे अड़िग धर्म नीवों पर। श्रद्धा से करते वंदन है। जय महावीर चौदिस गुंजन है। चंड कौशिक विषधारी अर्जुन का भवतारा। रोती चंदन बाला को मुक्ति पत दे संबारा। चंड कौशिक विषधारी अर्जुन का भवतारा। रोती चंदन बाला को मुक्ति पथ दे संवारा। घट घट के अंतर्यामी हर दिन दुखी के स्वामी। घट घट के अंतर्यामी हर दिन दुखी के स्वामी। हो तुम ही मोक्ष गामी चरण सुषमा शिरनामी। श्रद्धा से करते वंदन है। जय महावीर चौदिस गुंजन है। त्रिशला का नयन सितारा सिद्धार्थ कुल उजियारा। जन जन जीवन रखवारा पावन है नाम तुम्हारा। श्रद्धा से करते वंदन है। जय महावीर चौदिस गुंजन है। जय महावीर चौदिस गुंजन है। शांति
शांति शांति शांति शांति शाहूणं 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 नमोलोये शबशाहूणं नमोलोये शबशाहूणं मेरा मन शांत हो शांति शांति मेरा तन स्वस्थ हो शांति शांति वाणी मेरी मधुर हो शांति 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 साहूणं 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 नमो लोये शबशाहूणं नमो लोये शबशाहूणं मंगलमय पंच परमेष्टि नमोकार मंत्र की पावन ऊर्जा वलय में शरणं पवज्जामि ओम तीर्थंकराय नमो नमः। तीर्थंकर भगवंतों का शरणा मन और वचन, वचन और मन, वाणी और काया सर्व भावनाओं को जोड़ करके शरणं पवज्जामि तीर्थंकराय नमः अगर शरणा लेते हैं तो असंभव कार्य भी संभव होते हैं, अकल्पनीय कार्य भी कल्पनीय बन जाते हैं। ये तीर्थंकर के नामों का बल होता है। महाविदीय क्षेत्र में विपुल वाहन नाम के एक प्रतापी राजा थे और संपूर्ण देश में शांति अमर अमन चैन बना रहे ऐसा प्रयत्न रहता, पर कर्मों का उदय पूरे देश में अकाल पड़ा, दुष्काल पड़ा, हजारों हजारों देश के नागरिक भूख से तड़पने लगे। महाराजा विपुल बहन ने सोचा और चिंतन के बाद भोजन की व्यवस्था करी और विशेष तौर पर संत और साध्वी, श्रावक और श्राविका, स्वधर्मियों के लिए संकल्प किया, इनको कहीं पर भी भूखा रहने देना नहीं है, सबके लिए भोजन की व्यवस्था राजकीय व्यवस्था से जोड़ दिया। परंतु दुष्काल इतना बड़ा था, सबको भोजन पहुंचना बड़ा मुश्किल होता था,
फिर भी विपुल बाहन राजा निरंतर भोजन की व्यवस्था में लगे रहते हैं। जब पता लगता कि मेरे देश के नागरिकों को या स्वधर्मी भाई बहनों को भोजन नहीं मिला है, वो स्वयं भूखा रह करके उपवास कर लेते, भूखा रहते, परंतु सबके भोजन किए बिना भोजन करते ही नहीं थे। ऐसा मंगल भाव, ऐसा जीवन का बलय परिणामत स्वधर्मी की सेवा करते करते, गरीबों को भोजन की व्यवस्था करते करते विपुल बाहन महाराजा ने तीर्थंकर गोत्र का बंधन किया। ये बहुत बड़ा उपदेश है जीवन के लिए। अन्न जान, अन्न पुण्य, पाण पुण्य, लयन पुण्य, शयन पुण्य, ये पुण्य के कार्य करने से भी तीर्थंकर गोत्र का बंधन होता है। और उसके बाद विपुल बाहन राजा संत बनते हैं, संयम की साधना करते हैं और देवलोक में जाते हैं। पुनः देवलोक से उतरकर श्रावस्ती नगरी में जितारी महाराज की पत्नी सुसैना रानी के गर्भ के अंदर आगमन होता है। 14 माह स्वप्न देखते हैं। रानी और राजा को बड़ी प्रसन्नता होती है। गर्भ के अंदर आनंद का वातावरण है। महाराजा और महारानी खुश प्रसन्न है, लेकिन सूचना मिलती है कि जिस जहां जहां पर जिस जिस भूमि के ऊपर सूखा अकाल पड़ता था, वहां पर भी वर्षा हो रही है। और ये श्रावस्ती नगरी में उस समय चारों तरफ सूखा सूखा था, लेकिन जैसे गर्भ के अंदर बालक का आगमन होता है, चारों तरफ हरियाली छाती है, वर्षा होती है, बादल बरसते हैं, चारों तरफ नदियां भर जाती हैं, परिणामत पूरी भूमि सरसब्ज बनती है। और सरसब्ज बन गई और जिस भूमि को सींचना असंभव था, वो भी संभव हो गया। इसलिए जितारी महाराज ने राज दरबार के अंदर घोषणा करी कि हमारी महारानी के गर्भ में जिन बालक का आगमन हुआ है, कोई सामान्य आत्मा नहीं है, उनके आगमन पर असंभव प्राकृतिक वातावरण भी संभव बन गया है, इसलिए हम उनका नाम संभव कुमार रखते हैं। संभव नाथ भगवान को बंधन बारंबार, संभव नाथ भगवान को बंधन। ये संभव नाथ भगवान जो समय आने पर तीर्थंकर बनते हैं, अभूतपूर्व धर्म का प्रभावना होती है, चारों तरह खुशियां प्रसन्नता छाती है, तो ऐसे संभवनाथ भगवान, उनका नाम स्मरण करने से असंभव कार्य भी संभव होते हैं। क्योंकि तीर्थंकरों का जो नाम है वो मंत्र रूप है, यंत्र रूप, तंत्र रूप, सारी धाराएं के अंदर जुड़ी होती हैं, इसलिए ऐसे नामों का स्मरण करते हैं तो आनंद रहता है। और ऐसे तीर्थंकर भगवंतों को पुनः पुनः नमन और प्रणाम करते हैं। कहते हैं असंभव कार्य जिसको करना बड़ा कठिन होता है, ऐसे कार्य को अगर संभवनाथ भगवान का नाम लेकर के प्रारंभ करेंगे, वो काम
संभव बन जाएगा। आप सुनते ही हैं, मानते भी हैं, जानते भी हैं, श्रणिक महाराज को पता था तीर्थंकर जो कहते हैं सच होता है, मैंने नरक का बंधन किया है, परंतु पीछे नहीं हटे, निरंतर प्रयत्न में लगे रहे और उस प्रयत्न का सुपरिणाम नरक का बंधन है, नरक में जाना है, पर प्रयत्न कितना महान था, उस नरक के बंधन से भी ऊपर पहुंच गए, तीर्थंकर गोत्र का बंधन कर लिया। स्वयं महावीर स्वामी कहते हैं श्रणिक, ठीक है कर्म बंधन है, नरक में जाओगे, लेकिन ये भी तो देखो तुम तीर्थंकर बनोगे, पहले तीर्थंकर बनोगे, धर्म की अभूतपूर्व प्रभावना करोगे, इसलिए असंभव कार्य भी संभव होता है। हम अपने अंतकरण में, अंत भाव में अपने संकल्प बल को मजबूत बनाएं। आचार्य भद्रबाहु स्वामी अंतिम श्रुत केवली थे। एक दिन आचार्य भद्रबाहु स्वामी की जो एक पारिवारिक एक महिला आती है और आचार्य भद्रबाहु स्वामी के सामने आकर के कहती है, भंते आप अंतिम श्रुत केवली हो और हमारे परिवार के आप मूल सदस्य हो, हमको बड़ा गौरव अनुभव होता है कि हमारे परिवार का एक सदस्य श्रुत केवली है, आचार्य है। परंतु भंते आपके अपने परिवार में हर तीसरे महीने किसी न किसी की मौत होती है, या तो कोई ना कोई मरेगा। तो आप सोचिए जिस परिवार में हर तीसरे महीने एक सदस्य की मौत हो तो परिवार तो उजड़ जाएगा। अगर जन्म दर कम हुआ, मृत्यु दर बढ़ता गया तो परिवार जड़मूल से उड़ जाएगा। भंते क्या है? आचार्य भद्रबाहु स्वामी कहते हैं, ये संकट है, पूर्व जीवन में किए हुए कर्मों का उदय है और पूरे परिवार को अभिशाप मिला है, इस अभिशाप से मुक्त होना है। अगर मुक्त बनोगे अभिशाप से तो आगे छोटे छोटे बच्चों की मौत नहीं होगी, यौवन अवस्था में बढ़ने वाले युवक युवतियों की मौत नहीं होगी, अगर मौत होगी तो 70-80 वर्ष के बाद जो वृद्ध होंगे उनकी मौत होगी, लेकिन अभिशाप मुक्त बनो। परिवारजन इकट्ठे होते हैं और कहते, भंते आप उपाय बतलाइए। तो आचार्य भद्रबाहु स्वामी ने ओम संभव नाथाय नमो नमः की साधना करवाई। परिवार के प्रत्येक सदस्य जब 9 महीने तक साधना करते हैं संभवनाथ भगवान की, तो पिछले कई वर्षों से चला हुआ वो भयंकर अभिशाप भी क्या हुआ, समाप्त हुआ। कहने का मतलब है अभिशाप बड़ा भयंकर था, ऐसा भयंकर न दवाई काम करती, न वैद्य हकीम काम आते, न कोई यंत्र तंत्र मंत्र, सब फेल हो जाते, लेकिन कोई बचाने में सफल नहीं था। परंतु तीर्थंकर भगवंतों की महिमा, अनंत बली, अनंत ज्ञानी, अनंत सुखी,
ऐसे तीर्थंकर भगवंतों का बल अनंत होता है और उसके आगे कोई बढ़ नहीं सकता है। जैसे एक तरफ अभिशाप का बल और दूसरी तरफ आचार्य भद्रभाव स्वामी की मंगल कामनाओं से भरे हुए साधना, ओम संभव नाथाय नमो नम की साधना आगे आती है, तो अभिशाप जैसा भयंकर शक्ति बल भी कमजोर पड़ता है। और जैसे ही 9 महीने तक साधना करते हैं, परिवार के 13 सदस्य संभवनाथ भगवान की आराधना करते हैं, और जैसे आराधना कर रहे थे करते करते अचानक धूल उड़ी, धुआं निकला, हवा चली और सामने बड़े भयंकर 9 राक्षस खड़े हो गए। अदृश्य जो थे वो दृश्य में आ गए, जो 9 राक्षस गण थे, और हाथ जोड़ करके कहते हैं, हे आचार्य भद्रभाव स्वामी, आप हमारी रक्षा करो। हम मजबूर थे, हम शक्ति संपन्न हैं, परंतु इस अभिशाप को हम अभिशाप के देव हैं, हमको करना था, लेकिन हम तड़प रहे हैं, हम परेशान हो रहे हैं, हमको शरणा में लो। तो 9 के 9 राक्षस आत्माएं संभवनाथ भगवान का शरणा लेते हैं और आगे अपने मन को शांत बनाने का संकल्प लेते हैं। आचार्य भद्रभाव स्वामी ने सबको क्षमा कर दिया और बरसों से चला हुआ वो भयंकर अभिशाप भी क्या हुआ, खत्म हुआ। तो तीर्थंकर भगवंतों के नामों में ऐसा बल है, ऐसी ऊर्जा है, परंतु इसके लिए बड़े अंदर से, अंत मन से, अंत चेतना से प्राण पूर्वक प्रयत्न करना पड़ता है। जब प्राण को लगाकर, बाजी लगाकर साधना करता है, तो भयंकर अभिशाप भी नष्ट होते हैं, क्योंकि अभिशाप कभी निष्फल नहीं होते हैं। लेकिन तीर्थंकरों की महिमा इतनी बलवान महिमा होती है कि हमारे अंतकरण में चारों तरफ ऊर्जा का बलय जुड़ते हैं, जीवन को महान बनाते हैं। तो आचार्य भद्रभाव स्वामी ने संभवनाथ भगवान की साधना के माध्यम से अपने संपूर्ण परिवार को अभिशाप मुक्त बना दिया। संभव हुआ किसके नाम से? संभवनाथ भगवान के नाम से। ओम संभवनाथाय नमो नमः। 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 लोगस्य उज्जवे गरे धम्म तिथे अरे जिने अरिहंते कित्तेशम 24 संपि केवली आरुग्य बोहिलाभम समाहिवर मुत्तमम दिन्तु चंदेशु निम्मलयरा आयचेशु अयम पयासयरा सागर वर गंभीरा सिद्धा सिद्धि मम दिशन्तु सिद्धा सिद्धि मम दिशन्तु। मंगल 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 हो। मंगल 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 हो। दर्व क्षेत्र मंगलम। काल भाव मंगलम। भाव काल मंगलम। मंगल 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 हो।
शांति 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 नमो लोहो व्यासना हो तिव्यम की आरमशनम खाणम शाणम अनुत्थानम भुगनम शेष आगरणम सब समय वचन आगरणम त्याग भूश्री तपस्या करने वालों को आज का आयम बिल किन्हीं का हो अहमिलम पचखामी तिव्यम पी आहारमशनम खाणम शाणम अनुत्थानम भुगनम शेष आगरणम सब समय वचन आगरणम त्यागो श्रे हर्ष हर्ष। आज का उपवास दूर दूर से भाई बहनों का गुरुदेव के पास दर्शनार्थ आगमन होता है। आज की धर्मसभा के अंदर भी गुहाना से युवक यहाँ पर आए हैं और भी श्रावक कहाँ से आए, लुधियाना से श्रावक परिवार यहाँ पर आया है। सभी को हार्दिक मंगल कामना। अब संघ की ओर से संघ के महामंत्री जी सूचना दे रहे हैं। नमो अरहंताणम नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो वज्रायाणम नमो लोये सब साहुनम येषु पंच नमुक्कारो सब पावपणासनो मंगलानं च सव्येषिं परमं हवैः मंगलम सतारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पनत्तोदम्बो मंगलम सतारी लोगुत्तम अरिहंता लोगुत्तम सिद्धा लोगुत्तम साहु लोगुत्तम केवली पनत्तोदम्बो लोगुत्तम सतारी शरणं पवज्जामि अरिहंते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पनत्तो धम्मो शरणं पवज्जामि। ओम गुरुदेवाय नमः।